गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ईबीएसई कॉपी में अगेन रिवीजन वर्क करेंगे। इससे पहले मैंने आपको रिवीजन वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें मैंने आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करवाए थे सभी चैप्टर्स के। हमने चैप्टर नंबर 9 से लेकर 16 तक के सभी टिक द करेक्ट ऑप्शन का रिवीजन कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 तो करेंगे, जिसमें हम फिलअप्स करेंगे। ओके, तो आप सभी बच्चे अपनी ईबीएसई कॉपी खोलेंगे और ईवीएसई कॉपी में आज की डेट मेंशन करके रिवीजन लिखकर चैप्टर नंबर 9 to 16 मेंशन करेंगे। चैप्टर मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम कौन से चैप्टर के करेंगे? 9 से लेकर 16 तक के चैप्टर के करेंगे, क्योंकि ये आपके एनुअल पोर्शन के चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। का फर्स्ट वाला देखिए, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ। होली इज कॉल्ड the festival of। और यहां पर आपके डैश अंडरलाइन है। आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें स्टेटमेंट दी गई होती है, जिसमें हमें एक जगह पे फिलअप दिया गया होता है। यहां पर हमें फिल करना होता है राइट आंसर। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे। होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ। जो होली है, होली का जो त्यौहार है, उसे किस नाम से जाना जाता है, किस फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है कलर्स फेस्टिवल के नाम से, क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को और सभी रिलेटिव्स को एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो होली जो फेस्टिवल है वो किसका त्यौहार कहलाता है? वो रंगों का त्यौहार कहलाता है। होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ओके, सेकंड वाला देखेंगे। वी सेलिब्रेट डैश ऑन 25th December। देखिए सब ब्लैक बोर्ड की तरफ। वी सेलिब्रेट डैश ऑन 25th December। जो 25th December आती है तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राइट आंसर इज क्रिसमस। तो यहां पर सब लिखेंगे क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। ओके, अगेन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वी सेलिब्रेट डैश और 25th December। 25th December को हम सभी क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड, 26th January इज सेलिब्रेटेड इज celebrated as the dash। अब देखिए अगेन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में थर्ड वाला है आपका 26th January इज सेलिब्रेटेड एज द। हम 26th January को क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। तो यहां पर आप क्या फील करेंगे? रिपब्लिक डे, RepublicDay, रिपब्लिक डी ए वाई डे, रिपब्लिक डे। 26th January इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। ओके, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। दैट मीन्स की गणतंत्र दिवस, अभी जो हमारा
मंथ निकला है जनवरी, उसमें हमने 26 जनवरी को क्या मनाया था? रिपब्लिक डे मनाया था। ओके, अब फोर्थ वाला आप देखेंगे, फोर्थ पे है यू मस्ट। अब यहां पर आपको क्या बोला गया है? यू शुड नॉट राइट, हमें नहीं लिखना चाहिए ऑन अ, किस पर? वॉल पर। किस पर नहीं लिखना चाहिए हमें? वॉल पर। वॉल दैट मीन्स की दीवारों पर। ओके, हमें कभी भी दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए लिखकर, ठीक है? बहुत से बच्चे होते हैं ना जो दीवारों पर लिखते हैं, चाहे वो घर की दीवारें हो, चाहे वो स्कूल की वॉल्स हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नॉटी होते हैं, जो वॉल्स पर लिखते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये एक बैड हैबिट है। तो यू शुड नॉट राइट ऑन अ वॉल, अगर हम वॉल पे लिखेंगे तो वॉल गंदी होगी, तो हमें वॉल्स को गंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए यू शुड नॉट राइट ऑन अ वॉल। अगेन मैं रिपीट करूंगी फिलहाल आपको, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, COLOURS, कलर्स। सेकेंड, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th December, CHRISTMAS, क्रिसमस। थर्ड, 26th January इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, 26th January इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। फोर्थ वाला, यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। फिफ्थ, यू शुड नॉट राइट ऑन अ वॉल। स्टूडेंट्स, ये आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे आज आपको आपकी यूएस की कॉपी में आज की डेट डाल के, आज की डेट मेंशन करके इस वर्क को आपको कॉपी में करना है। ओके, और इसे आप साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। जिस दिन जो रिवीजन करवाया जाता है, उसी दिन आप उस रिवीजन को लर्न भी करेंगे सभी बच्चे। ओके,